Bihar has witnessed a series of communal tensions recently. To understand the dynamics of the flare-up, we have caught up Mr. Gyaneshwar, senior journalist who runs his own web portal called City Life. What is the dynamics? Who have taken advantage of the situation and who lost their political career? Let's understand with the senior journalist. Sir, आप बताएं कि अभी जो कुछ भी हुआ बिहार में इसके political किसको politically किसको इसका advantage मिल रहा है, कौन इस पूरे एपिसोड में बीच में सैंडविच हो रहा है, यानी कौन दो बेनिफिशरीज आपको लगते हैं, क्यों कराया गया दंगा? ये एक ऐसे स्टेट में जो बिल्कुल पीसफुल रहा है, जहाँ की हिस्ट्री नहीं रही है ऐसे वायलेंस की। देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट था कि जो इस बार तनाव फैला या तनाव फैलाने की साजिश हुई वो बिल्कुल इंजीनियर्ड था। मतलब इसका ताना बाना बुना गया था और राजनैतिक तौर पर बुना गया था, और इसका ध्येय निश्चित तौर पर 2019 का लोकसभा चुनाव ही है। पड़ोस के जो प्रदेश थे वहाँ ऐसा करा पाना रामनवमी के मौके पर संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ राजनीतिक हालात और सत्ता का जो समीकरण है वो इसे अलाउड नहीं करता था। तो बिहार को सॉफ्ट टारगेट बना लिया गया, और बिल्कुल किसी ने इस तरीके से डिज़ाइन किया कि यह बिहार भर में फैले। और ऐसा भी नहीं है कि इसकी सुगबुगाहट या इसकी खबर सरकार को नहीं लगी थी, नीतीश कुमार को इसकी खबर लग गई थी। नीतीश कुमार ने रामनवमी के कई दिनों पहले से कहना शुरू कर दिया था कि बिहार को तनाव में धकेलने की साजिश होगी, आपको बचना है। इनफैक्ट पेपर में ऐड भी आए थे, बिल्कुल बिल्कुल हाथ जोड़ कर कह रहे थे वे, और वो उनके साथ लोग बैठे थे वो यह भी कह रहे थे कि मेरे बगल में बैठे लोग क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं है। तो मतलब वो संकेत संकेत में इशारा भी कर रहे थे। जहाँ तक राजनीतिक बातें हैं, तो आप देख रहे हैं राजनीतिक ध्रुवीकरण कैसे हो रहा है कि सैंडविच और पॉलिटिकल फायदे की बात। यदि आप लड़ाई आज का देखें तो आप यह कह सकते हैं कि लड़ाई तो एनडीए वर्सेस बिहार में महागठबंधन की है, लेकिन इन दिनों में और भी कुछ दृश्य देखने को मिल रहा है, आगे वह किस तरीके से खिचड़ी पकती यह देखना होगा। लेकिन एक बात तो है कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण की पार्टियां हैं उसने बिहार में हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश करी, और इसका फ़ायदा वो 2019 में उठाना चाहते हैं। कारण कि वो चुनाव के ऐन मौके पर अब सारे जो मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं देश के, उसको गॉन कर देना चाहते हैं। और HMQ, जिसको हम लोग हिंदू मुस्लिम क्वेश्चंस कर लीजिए, हिंदू मुस्लिम डिबेट कर लीजिए, तो उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसका फ़ायदा तो आप जान ही रहे हैं किसको मिलना है और किसको घाटा होना है। लेकिन बिहार की जनता ने इस साजिश को बेनकाब किया, इसलिए बेनकाब किया और इसलिए बेनकाब हो गया कि बिहार की बड़ी जनता ने, बिहार की बड़ी आबादी ने, बहुसंख्यक आबादी ने इन दंगाइयों को साथ नहीं दिया। ठीक है, ये दंगाई अपनी जगह पर रहे और जनता अपने स्टैंड पर कायम रही। यदि पटना की आबादी 25 लाख 30 लाख है और 5,000 लोग सड़क पर उतरते हैं मात्र, तो आप समझ सकते हैं कि उनका साथ उनको नहीं मिल रहा है। और इस दफ़े आप देखे होंगे कि जहाँ जहाँ इस तरह का तनाव भड़काने की साजिश हुई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंजीनियर्ड है, बिल्कुल ऐसे जिले थे जहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। औरंगाबाद कोई बात ही नहीं, वहाँ कैसे हो सकता था। रोसरा बहुत छोटा सा शहर अनुमंडल का, कितनी फैमिली अल्पसंख्यकों की, बिल्कुल नहीं, लेकिन वहाँ आपने चुना। नवादा थोड़ा बहुत फोकस में था, कारण दूसरे पॉलिटिकल कारण थे। मुंगेर, लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ प्रशासन सख्त रहा वहाँ टेंशन नहीं बढ़ा, टेंशन को बढ़ने से पहले रोक दिया गया। और एक और आप कारण देखेंगे कि इस तनाव को भड़काने के पीछे लोगों ने स्थानीय झगड़े भी निपटाए हैं। किसी का विवाद पुलिस वालों से चल रहा था तो उन्होंने गुस्सा दूसरे तरीके से उतार लिया, किसी का विवाद जमीन कब्जे के लिए चल रहा था, किसी का विवाद मंदिर बनाने के लिए चल रहा था, किसी का विवाद मस्जिद के करीब पहुंचने के लिए चल रहा था। तो ये सारे चीज़ जो थे ना, इंजीनियर थे कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नारा लगाना है। लेकिन बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहिए
जिसने बिहार को जलने से बचाया है और राजनीतिक रोटी सेकने वालों को एक संकेत दिया है कि बिहार आपके झांसे में नहीं आने वाला है। आपने ये सीधी सीधी बात कही कि एक इंजीनियर राइट था, मैन्युफैक्चर किया गया था इसको सोसाइटी को पोलराइज करने में। आप पटना की इस बिहार इस स्टेट की राजनीति पे गहरी नज़र रखते हैं, क्या लगता है कि विच आर द फोर्सेस, कौन हैं वो लोग जिनसे जिनको ऐसे फ्लेयर अप ऐसे टेंशन से फ़ायदा होगा? नीतीश कुमार का क्या रोल रहा इस पूरे एपिसोड में? नीतीश कुमार को ऐसे दंगे से क्या नुकसान है या फ़ायदा है? और दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी का एक अलायंस है, उनको क्या फ़ायदा होना है इससे या नुकसान? देखिए, नीतीश कुमार की छवि तो ये रही है ना कि वो दंगा विरोधी हैं। उन्होंने दंगा रोकने की और दंगा को थामने की पूरी कोशिश की। बाकी उनके जो पॉलिटिकल माइंडसेट हैं और जो वो समय समय पर निर्णय लेते हैं, उसके लिए आप जितनी आलोचना कर लें, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के माइंड को समझते हैं और कम से कम दंगा के समर्थक नहीं हैं वे। और उन्होंने सख्ती से इस मामले में, अब बात जहाँ तक किसके फ़ायदे और नुकसान की है, तो आप भी समझते हैं कि जो हिंदू धर्म हिंदू कार्ड खेलते हैं वो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ माई समीकरण के लोग हैं और उनके साथ जो लोग हैं, तो कोशिश तो यही थी कि जो कम्युनल ताकतें थीं, जो इस तरीके से जब तक जय सिया राम कहा जाता था कहाँ कुछ होता था, ये तो जय श्री राम के कारण हुआ शुरू हो गया ना। हाँ, आप जब तक जय सिया राम बोलते थे तो बहुत प्रेम था, लेकिन ये जय श्री राम को आपने इस तरीके से इंजीनियर्ड किया, उसके बोलने के तरीके इस तरीके से निकाले कि कहाँ जय श्री राम, भाला लेकर, गरासा लेकर, फलसा लेकर, तलवार लेकर आप बोलते थे। जय श्री राम तो भगवान का नाम है, आप मन में याद कीजिए ना किसने रोका है, जय सिया राम सभी लोग कहते थे, गांव में कहते, आज भी कहते हैं, कहाँ तनाव होता है। सर आप मुझे ये बताएं, आप इनडायरेक्टली बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो एक कम्युनल कार्ड खेल के सोसाइटी को पोलराइज करना चाह रहे हैं, इसका इलेक्टोरल गेन उनको मिलेगा इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, क्यों आपको ऐसा लगता है? क्या, चूंकि आप ग्राउंड पे नज़र रखते हैं, क्या वो मोदी वेव जो एक फेनोमेना कहा जाता था कि मोदी एक फेनोमेना है, क्या वो धीरे 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 फेड हो रहा है? देखिए, मोदी महालहर तो नहीं है जो 2014 में लोग ब्लाइंड लव कहते थे मोदी से, लेकिन वो लव खत्म हो गया है। अब जो लव है ना, उस शर्तों के साथ है, सवालों के साथ है। अब लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, रोजगार का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, विकास का क्या हुआ। तो जब सवाल पूछे जाने लगते हैं ना, तो लोग रास्ते दूसरे ढूंढने लगते हैं। तो वही रास्ता दूसरा ढूंढने का प्रयास हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम डिबेट में देश को फंसा दो और उसका पॉलिटिकल गेन हासिल कर लो। सर एक चीज़, एक क्विक क्वेश्चन है हमारा, नीतीश कुमार बहुत टाइम तक इस दंगे के चुप रहे, बहुत क्रिटिसिज्म हुई उनकी, अपोजिशन ने भी किया, उन्होंने दो दिन कल या परसों उन्होंने एक बड़े स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है अपने कोलिशन पार्टनर को कि हमने एक अलायंस को ब्रेक किया बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेशन फॉर करप्शन, तो हमारा वही जीरो टॉलरेंस कम्युनलिज्म पे भी है। एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली अपने कोलिशन पार्टनर को पे अटैक किया है, बहुत सख्त वर्ड यूज़ किया है। किस तरह से ये किस तरफ इशारा करता है? आरजेडी या कांग्रेस एज अपोजिशन पार्टी बिहार में उतनी एग्रेसिव नहीं दिख रही है, तो क्या ये किसी नए चुनावी समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, नए चुनावी समीकरण तो अभी जैसे जैसे समय आएंगे, आपको यह दिखाई पड़ने लगा ना, शिवसेना भाग गई ना, टीडीपी भाग गया ना, तो 2019 के जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं वह दृश्य कुछ बदले बदले से हैं। तो ऐसे में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह अपना भाव बढ़ाने को मजबूती तो दिखाएगी ना, और वो जो थ्रेट दिया जा रहा है उसका कारण एक यह भी है कि सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत बड़ा विवाद होना है, और यदि सीट शेयरिंग को लेकर सीटों का विवाद नहीं सुलझा, कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई, 2014 में नीतीश जी साथ में नहीं थे, लेकिन जब 2009 में नीतीश जी साथ थे बीजेपी के साथ, तो बड़े भाई की भूमिका में थे, मतलब जदयू। अब बीजेपी उन्हें बड़े भाई के रूप में नहीं मानने वाली है, बराबर का भाई मान ले
हम उम्र मान ले, यह भी बड़ी बात होगी। तो इसके लिए जो सीटों को लेकर कर जो बात, यही प्रॉब्लम रामविलास पासवान जी के साथ है, यही प्रॉब्लम उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। तो सीटों को लेकर झगड़ा और रगड़ा भी अभी से शुरू हो गया है। तो इसके लिए जो दबाव बनाना है उसके लिए कई बहाने भी गढ़े जाएंगे, लेकिन फिर भी याद रखिए, नीतीश कुमार दंगा कराने वाले मुख्यमंत्री नहीं है, नीतीश कुमार दंगा शांत कराने वाले मुख्यमंत्री हैं। सर एक और चीज़ मुझे अभी याद आ गई कि आपने बात की थी बजरंग दल की। बिहार एज ए सोसाइटी को बड़ा इंक्लूसिव सोसाइटी कहा जाता है, कुछ पॉकेट्स को छोड़ दें जो जो कम्युनली सेंसिटिव रहे हैं, जिनकी अपनी हिस्ट्री रही है, नवादा बिहार शरीफ इन कुछ एरियाज़ को छोड़ दिया जाए, तो बिहार एज ए सोसाइटी इंक्लूसिव सोसाइटी है। यहाँ पे एक अहमद साहब को शर्मा जी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और इंटरडिपेंडेंस एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा है, हर वो डिफरेंट फील्ड में आप देख लें बहुत। तो ये जो यहाँ का एक सोसाइटी का ताना बना है वो बड़ा स्ट्रांग है। क्या इस सिचुएशन में जितने भी फ्रेंज ग्रुप्स हैं जो ऑफलेट एक मेन स्ट्रीम ग्रुप बनते जा रहे हैं, क्या इनको बिहार की वही सेक्युलर आवाम, वही सेक्युलर जनता इनको अपना रही है, क्या ऐसा लग रहा है? नहीं, बिहार की जनता ने तो जवाब दे दिया ना, आपने बहुत इंजीनियर्ड तैयारी करी और आपने कुछ, आप कुछ भी नहीं कर पाए। ध्यान रखिएगा, एक कैजुअल्टी, एक कुछ भी नहीं होने दिया बिहार ने। आपने रोलेबाजी कर ली हो, झड़प कर लिया हो, लेकिन बिहार में कोई खून नहीं हुआ दंगा के कारण। तो बिहार की जनता ने तो ऐसी ताकतों को, चाहे वो ताकत हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, उनको जवाब दिया है कि आपके कहने से हम आपस में नहीं लड़ेंगे, शर्मा जी और अहमद साहब साथ रहेंगे। बिहार शांति का पुजारी है, शांति का संदेश देता रहा है, और बिहार ऐसी ताकतों से जो चुनाव के समय चुनावी लाभ लेने के लिए उग आते हैं उनसे प्रभावित नहीं होने वाला है। बिहार अमन चैन का संदेश देता रहेगा, यह मानकर चलिए। Here we wrap up our discussion with the note that the major takeaway of this interview was Bihar society has not been ruptured on communal lines, and the entire effort to engineer that right was to for political gains and nothing else, which has been rejected by the secular people of this state.